So today I am going to explain a very beautiful poem, My Mother at 66. This poem is written by Kamala Das. Kamala Das जो अपनी originality के लिए और अपने world style flavor के लिए जानी जाती हैं, काफ़ी सारे short stories और novel भी उन्होंने लिखे हैं English और Malayalam language में. यहाँ पर जो इनका जन्म है मलाबार केरला में माना जाता है. Let's start the poem. माई मदर एट 66. ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इनकी ओरिजिनैलिटी का. ह्यूमन लाइफ में जितने भी रिलेशन होते हैं उनके जो इमोशन और फीलिंग है उन्होंने अपने पोयम के थ्रू एक्सप्रेस कर दिया है. आप देखिए यहाँ पे पोएटिस कहती हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डोर्स ओपन माउथ हर फेस शाइन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स एंड लाइज विद पेन. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में, यहाँ पे पोएटिस बोल रही है कि लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में जब वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर ड्राइविंग करते हुए एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी. लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग में अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर जब वो कोचिन वापस जा रही थी. देखिए यहाँ पे जो पोएटिस है या तो वो कोचिन में रहती हैं या वो अपनी पढ़ाई कर रही है वहाँ पे. तो अपने पेरेंट्स के घर को छोड़कर जब वो कोचिन वापस लौट रही थी तब उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा जो कार में उनके बराबर में बैठी थी. ये दोनों एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे. आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, कार में उनकी मदर जो उनके बराबर में बैठी हुई हैं उनकी तरफ पोएटिस ने देखा. डोर्स ओपन माउथ हर फेस शाइन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, उनका मुंह खुला हुआ था. डोर्स मीन्स वो एक झपकी ले रही थी. हर फेस असाइन लाइक दैट, उनका फेस एकदम फीका पड़ गया था, पीला पड़ गया था, कलरलेस हो गया था बिल्कुल. यहाँ पे पोएटिस ने जब अपनी माँ की तरफ देखा जो उनके बराबर में बैठी हुई थी डॉस, वो हल्की सी झपकी ले रही थी. उनका मुंह खुला हुआ था और उनका फेस बिल्कुल पीला पड़ गया था. जैसे आपने देखा होगा कि ओल्ड एज में हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके चेहरे की चमक चली जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है, पीला पड़ जाता है, तो बिल्कुल कलरलेस दिखाई देता है, डल दिखाई देता है. तो तब उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा तो उनका फेस बिल्कुल डल और कलरलेस दिखाई दे रहा था. ऑफ ए कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है डेड बॉडी. तो यहाँ पर उन्होंने अपने माँ के फेस को एक कॉप्स से कंपेरिजन किया है कि उनकी माँ का फेस इतना कलरलेस और डल दिखाई दे रहा था कि बिल्कुल एक डेड बॉडी की तरह. एंड रियलाइज विद पेन, तो अपनी माँ को देखकर बिल्कुल डल और कलरलेस फेस को देखकर तो यहाँ पे पोएटिस को एक दर्द रियलाइज होता है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे. दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक बट सून पुट दैट थॉट अवे, उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा तो उनको लगा कि माँ अब बूढ़ी हो गई है और वो ऐसी ही बूढ़ी दिखाई दे रही है. बट सून put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children is peeling out of their home. तो यहाँ पर जो पोएटिस ने अपनी इस थॉट को एक अलग साइड रख दिया कि उनकी माँ बूढ़ी हो गई है या उनका फेस एकदम डल और कलरलेस हो गया है, तो इस थॉट को अलग रखे उन्होंने कार के बाहर झांक के देखा जहाँ पर जो यंग ट्रीज हैं, जो छोटे छोटे प्यारे से पेड़ हैं, वो पीछे की तरफ भागते नजर आ रहे हैं. कभी कभी आपने देखा होगा ट्रैवल करते समय कि जो साइड में जो पेड़ लगे हुए होते हैं, कभी हम बहुत ही अच्छे हरियाले रास्ते से गुजरते हैं, रास्ते में काफ़ी गांव आते हैं और कस्बे आते हैं, कभी कभी लहराते हुए खेत दिखाई देते हैं, तो यहाँ पर जर्नी में ये सारे सीन हमें दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर कार के बाहर उन्होंने जब झांक के देखा तो प्यारे प्यारे जो यंग ट्रीज थे वो पीछे की तरफ दौड़ते नजर आ रहे थे. द मैरी चिल्ड्रन स्पीडिंग आउट ऑफ देयर होम, और बच्चे बड़ी संख्या में हंसते हुए खिलखिलाते हुए अपने घरों से बाहर निकल रहे थे. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब वो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पर पहुंची, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, थोड़ी दूर खड़े होकर जब अपनी माँ को बाय कर रही थी तब उन्होंने दोबारा से अपनी माँ की तरफ देखा. I looked at her wan pale as a late winter's moon. तो उन्होंने अपनी माँ की तरफ देखा तो उनकी माँ का वही डल और कलरलेस फेस दिखाई दे रहा था. कैसा दिखाई दे रहा था? As a late winter's moon. बिल्कुल ऐसे लेट विंटर का जो मून दिखाई देता है, जैसे सर्दियों में जो चांद की रोशनी है बिल्कुल धुंधली हो जाती है, बिल्कुल फीकी दिखाई देती है, कलरलेस दिखाई देती है कि बिल्कुल धुंधली धुंधली, उसकी कोई रोशनी की कोई चमक नहीं रह गई है. तो यहाँ पर अपनी मदर को भी वो लेट विंटर
लेट विंटर मून से कंपैरिजन करिए कि उनकी माँ का फेस जो है वॉन एंड पेल एकदम डल हो गया है, कलरलेस हो गया है, जैसे विंटर का मून होता है जिसकी रोशनी एकदम धुंधली दिखाई देती है. दैट ओल्ड फैमिलियर एग माय चाइल्डहुड फियर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल. अब यहाँ पर अपनी मदर को देख के वही उनको खो देने का डर यहाँ पे पोएटिस को दोबारा आ जाता है. फैमिलियर एक ये क्वेश्चन काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसको ये तैयार कर लें. माय चाइल्डहुड फियर, बचपन का वही डर उनको रिपीट हो जाता है कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे, कि अब उनकी जो मदर जब जैसे दिन पे दिन बूढ़ी होती चली जा रही है, तो कहीं उनकी मदर कहीं चली ना जाए या उनको छोड़ के ना चली जाए, कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, पर इन सभी बातों के बावजूद वो अपनी माँ को विदाई दे रही हैं, उनसे बाय बोलती हैं और बोलती हैं अम्मा जल्दी ही मिलेंगे. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल और स्माइल, और मैं उनको देख कर मुस्कराई जा रही थी, मुस्कराई जा रही थी और मुस्कराई जा रही थी. सो दैट्स ऑल, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं.